स्थिर था, कितना चैलेंज था और कितनी खुशी हुई जब ये संपन्न हुआ सारा और एक काफी दिनों का मेहनत भी था, मेरा तो मैं कंटेस्टेंट नहीं थी तो मेरा दिल धड़कने का सवाल ही नहीं आता है, हम दूसरों के दिल धड़काते हैं। हमें स्मृति पंचाल मिसेस यूनिवर्स एंड एसएस एसोसिएशन कंपनी एंड दिस इज अवर फिफ्थ पेजेंट। हम लोगों ने इसके पहले नेशनल लेवल के पेजेंट किए थे तो और ये टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्टेट लेवल अप्सरा महाराष्ट्र करें, इसके लिए थीम भी हम लोगों ने नौवारी साज रखा था। तो मेरे सब कंटेस्टेंट ने जो फर्स्ट राउंड था तो उन्होंने नौवारी साड़ी में वॉक किया, द फर्स्ट राउंड इट वॉज इन ए नौवारी साड़ी एंड इट वॉज रियली रियली वंडरफुल। और जो कंटेस्टेंट जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे उसमें, हमारे शो में बहुत से सेलिब्रिटीज़ आए थे, जैसे कंवल जी जो वेल नोन फैशन डिज़ाइनर है, विजेता पंडित जी आई थी, और सीरियल्स के बहुत से बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आए थे, कोरियोग्राफर्स आए थे, एंड वी आर रियली हैप्पी एंड शो वॉज रॉक। विनर की बात करें किस कैटेगरी में किसको किसको विनर चुना गया था आज के? हम लोगों ने हर जगह पे ऑडिशंस लिए थे और उसमें से हम लोगों ने कंटेस्टेंट चुने थे। हमारे सब कंटेस्टेंट ने बेस्ट दिया हम लोगों के लिए, हम लोगों ने उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए थे बिफोर द कंपटीशन, तो उन्होंने अपने टास्क कंप्लीट किए। अंडर प्रिविलेज वुमेंस को हेल्प की, बिकॉज हम लोगों का एनजीओ है स्वावलंबन, इसके थ्रू हम लोग अंडर प्रिविलेज वुमन को हेल्प करते और हमारा कॉज है वुमन एम्पावरमेंट। तो मेरे सभी कंटेस्टेंट ने दिल जान लगा के अंडर प्रिविलेज वुमन की हेल्प की और मेरे लिए तो सब कंटेस्टेंट विनर्स हैं, लेकिन कोई भी हम लोगों को दो मतलब एक बेस्ट विनर चुनना पड़ता है। तो उसमें हम लोगों के यहाँ पे मिस कैटेगरी में अंकिता पाटिल जो है वो विनर हो गई है एंड मिसेस कैटेगरी में प्रिया मेहता जो है वो विनर है। कहते हैं कि हर सक्सेस महिला के पीछे पुरुष का हाथ होता है, तो शेखर जी का कितना हाथ है? शेखर जी का पूरा पूरा बिल्कुल हाथ है। जैसे कहा जाता है, एक कहावत है, अगर पेड़ है तो फूल भी आएंगे पत्ते भी आएंगे, अगर पेड़ है तो पत्ते भी आएंगे फूल भी आएंगे, फिकर न कर अगर दिन है खराब तो अच्छे भी आएंगे। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे सपोर्टिव रहे हैं अच्छे और बुरे वक्त में, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। शेखर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से मिलती है इतनी स्ट्रेंथ? अगर स्मृति जी की बात करें, अभी रात को 12 बज रहे हैं लेकिन फिर भी अभी भी स्मृति जी एक एग्जाम्पल है वुमन एम्पावरमेंट का, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहीं जाने के इन हाउस ही इंस्पिरेशन है, तो इंस्पिरेशन मिलती रहती है। थैंक यू। कितनी खुशी हो रही है सर, पूरे शो को कैसे देख रहे हैं? हर फिनाले के बाद खुशी तो होती है, लेकिन क्या ये हमारा एक जो हमारी 2-3 महीने की मेहनत होती है वो जब फिनाले के दिन रंग लाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अंकिता क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लग रहा था दिमाग में, क्या चल रहा था जब शो चल रहा था, जज गौर कर रहे थे कि बातों पर गौर कर रहे थे, क्या कुछ माइंड में चल रहा था कि हाँ विनर बनूंगी नहीं बनूंगी, क्या होगा? धड़कने में तेज था, अब जाके धड़कने रुकी है या अभी भी तेजी से धड़क रही है? जब भी वॉक करना चालू किया दिमाग में बस इतना ही था कि मुझे मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देना, जो भी रिजल्ट हो पॉजिटिव ही, लेकिन मुझे मेरा बेस्ट वॉक करना है, मुझे मेरा बेस्ट एटीट्यूड रखना है और मुझे मेरे बेस्ट आंसर्स देने हैं। तो हमेशा से दिमाग में, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी और ये अपॉर्चुनिटी को मुझे अच्छी तरीके से ग्रैब करना था, तो इसीलिए आई वॉज वॉन्टिंग टू गिव द बेस्ट ऑफ माई कॉन्फिडेंस। भी बहुत झलक रहा था आपका स्टेज पे, ओवरऑल अगर बात करें कहाँ से लाती है कॉन्फिडेंस? बहुत गिरने पड़ने के बाद जब उठते हैं लोग तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो आई थिंक वहीं से ये कॉन्फिडेंस आया है। जो खुद पे बिलीव कभी नहीं करने वाली, आज इतना बिलीव अगर कोई दिखा रहा है तो कॉन्फिडेंस तो आना बनता ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज मिसेस ये बनके अप्सरा महाराष्ट्र 2019, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी भी धड़कने चल रही है तेज थी, अब क्या पोजीशन है? धड़कने बहुत तेज थी और मेरी धड़कन रुक भी गई थी स्टेज पे, क्योंकि एक एक्ट में मेरा सैंडल बिल्कुल टूट गया था और मेरा पैर बिल्कुल मुड़ गया था, मुझे लगा शायद मैं वॉक भी नहीं कर पाऊंगी। वो फुटेज है मेरे पास, मैंने जी बिल्कुल, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी वजह से मैं किसी का एक्ट भी खराब नहीं कर सकती और वो एक्ट सिर्फ मुझ पे ही खत्म होना था क्योंकि मेरा डांस मूव था वहाँ पे लास्ट में, तो मैंने कहा मैं कुछ भी करूँगी मगर इस लाइन को नहीं छोड़ूंगी, ना मैं इस एक्ट को खराब करूंगी। मैंने कहा सैंडल हो ना हो
मुझे मेरा वॉक कंप्लीट करना है, मैंने किसी के बारे में भी नहीं सोचा, मैंने अपना सैंडल फेंका और मैं चल पड़ी अपना एक्ट कंप्लीट करने। वो सैंडल ने लगता है आज को ट्रॉफी दिला दी आपको। हो सकता है। सैंडल का हाथ है। आई वुड थैंक द शॉपकीपर, मैं शॉपकीपर को जाके थैंक यू बोलूंगी आपने मुझे वो सैंडल दिया, वो टूट गया तो डेफिनेटली मैं जीत गई हूँ। ओके, और क्या कहना चाहेंगे, चैलेंज था लोगों में, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, इंदौर पांची महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से लोग आए थे, चैलेंज मान रहे थे आपको? जी बिल्कुल चैलेंज था, क्योंकि जितनी भी औरतें आई थी सब बहुत टैलेंटेड थी, बहुत अच्छी तैयारी करके आई थी, और डेफिनेटली चैलेंज था मेरे लिए भी, और उन्होंने बहुत अच्छा टैलेंट राउंड भी किया था और बाकी टास्क भी अच्छे से किए थे, बट डेफिनेटली हो सकता है मैम सर को कुछ पोटेंशियल दिखा होगा, उनको अच्छा लगा, उनको मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे चुना। आई रियली थैंक देम एंड आई थैंक माय गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए आखिरी सवाल, इस बच्चे से क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो विनर थी वो तो अच्छी बात है, जो नहीं विनर हुई इस बार अगली बार होंगी, और क्या कुछ इंटायर अप्सरा महाराष्ट्र 2019 के व्यूअर्स जो हैं उनको क्या कुछ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो अप्सरा महाराष्ट्र ये स्टेट लेवल का पेजेंट है, इसके बाद सितंबर में हमारा अप्सरा इंडिया पैसिफिक पेजेंट आने वाला है, तो जो भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो ऑल ऑफ यू, आप यहाँ पे आप सभी का स्वागत है, तो हम लोगों को आप ऑनलाइन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डेट तारीख वगैरह सब फिक्स हो गया? नहीं नहीं, वो हम लोग डेट तारीख अभी फिक्स करेंगे, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल ऑल्सो, तो वो अभी एक आध महीने में या 15 दिन में वो दिन हम लोग डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या